नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 8 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लिखकर आए हैं। पेश है आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें। वैक्सीनेशन, हिमाचल में आप बिना पंजीकरण लगवा सकते हैं कोविड वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के 118 या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लोग चाहे तो कोविन टीकाकरण केंद्र में जाकर अधिक जानकारी लेकर टीकाकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिसको दूसरी खुराक लगी नहीं, उन्हें कोविन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने निकट के कोविन वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर दूसरी खुराक लगवा सकते हैं। लाभार्थी कोविशील्ड की पहली खुराक के 84 दिन पूरा होने के बाद या कोविन संक्रमण से ठीक होने के 3 माह के बाद वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग कोविन पोर्टल पर जाकर अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में 70 की उपलब्धता की जानकारी ले सकते और टीका लगवा सकते हैं। हिमाचल गौरव, प्रेरणा और राज्य स्तरीय सेवा सेवा पुरस्कारों की घोषणा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को हिमाचल गौरव पुरस्कार, प्रेरणा और राज्य स्तरीय सेवा सेवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अगस्त को कोठली में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये पुरस्कार देंगे। बिलासपुर के बकैन निवासी परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार, पर्वतारोहण क्षेत्र में नाम कमाने वाले और सेना मेडल से सम्मानित किन्नौर के सांगला निवासी सूबेदार मेजर बलवंत सिंह, नादौन निवासी पद्मश्री करतार सिंह सोखले और कोलबान में डूब रहे सकरा के मीन चंद को बचाने वाले मंडी के तत्तापानी निवासी राहुल रैना को हिमाचल गौरव पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कृषि निदेशक डॉक्टर आर के पृथ्वी को प्रेरणा स्रोत सम्मान दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान सिरमौर जिले में उपायुक्त रहने के दौरान प्लास्टिक की ईट और सिहाट जैसे प्रयोगों के लिए सम्मानित किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन NHM और IT विभाग को संयुक्त रूप से सिविल सेवा अवार्ड दिया जाएगा। कोविड काल में दोनों विभागों के तत्कालीन विभागाध्यक्षों डॉक्टर निपुल जिंदल और आशुतोष गर्ग ने बेहतरीन काम किया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के CEO और BDO गोहर रहे निशांत शर्मा को मनरेगा टूरिज्म के नए कंसेप्ट के लिए सम्मान दिया जाएगा। अगली खबर, मणिमहेश यात्रा से। मणिमहेश यात्रा की निभाई जाएगी सिर्फ रस्म, छड़ यात्रा में शामिल होंगे सिर्फ 25 लोग। कोरोना के चलते मणिमहेश यात्रा का आयोजन इस बार भी रस्मी तौर पर ही होगा। आयुक्त मंदिर ट्रस्ट एवं उपायुक्त चंबा DC राणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये फैसला लिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि 29 अगस्त से 12 सितंबर तक होने वाली मणिमहेश यात्रा के दौरान धार्मिक रस्मों का निर्वहन सीमित रूप से होगा। इस दौरान छड़ी यात्रा में 25 सदस्यों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सोचों के शिव चेलों की संख्या भी सीमित रूप में ही रहेगी। छड़ी यात्रा में शामिल होने वाले लोगों और शिव चेलों के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए या 72 घंटे पहले की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने कहा कि भद्रवाह से आने वाली सभी छड़ियों में 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। राधाष्टमी को ही इन लोगों के लिए यात्रा के दौरान व्यवस्था रहेगी। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व पुलिस विभाग द्वारा जिले के प्रवेश द्वारों पर चेक पोस्ट निगरानी के लिए स्थापित की जाएगी। होली तैयारी, हरसर, दुर्गैठी, राज, सुल्तानपुर, लाड़ू, लंगेरा, खैरी और तुनहट्टी में भी चेक पोस्ट बैरियर स्थापित किए जाएंगे। अगली खबर है कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। हिमाचल में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 52 छात्रों सहित 356 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर उछाल आया है। प्रदेश में 52 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से बिलासपुर में 2, चंबा में 9, हमीरपुर में 5, कांगड़ा 15, कुल्लू 1, लाहौल स्पीति 1, मंडी 7, शिमला में 9 और ऊना जिले में 9 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें 13 विद्यार्थी ITI के है जबकि 39 विद्यार्थी स्कूलों के है। जिला चंबा में 2 अगस्त को स्कूल खोलने के बाद 3 दिनों में ही 10 स्कूलों में कई विद्यार्थी और अध्यापक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए इन स्कूलों को बंद कर दिया है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 356 नए संक्रमित मामले आए। संक्रमितों में बिलासपुर जिले में 25, चंबा के 53, हमीरपुर के 16, कांगड़ा के 37, कुल्लू के 14, लाहौल स्पीति 4, मंडी 99, शिमला 96, सिरमौर 6, सोलन 4 व ऊना के 12 लोग शामिल है। इसके अलावा एक दिन के अंदर 134 कोरोना मरीज भी स्वस्थ हुए हैं। अगली खबर है कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी। CDL कसौली से वैक्सीन की अब तक 47 करोड़ डोज जारी। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए सेंट्रल ड्रग्स लाइबोरेटरी कसौली तेजी से वैक्सीन की जांच कर रहा है।
सीडीएल ने अभी तक स्वदेशी और रशियन कोविड वैक्सीन की करोड़ों डोज रिलीज कर दी है। इसका सीधे तौर पर फायदा लोगों को पहुंचने वाला है। स्पुतनिक, जी कोवडी तथा सनोफी आदि कई अन्य कंपनियों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सीडीएल में चल रहा है। दिन रात सेंट्रल ड्रग लाइबोरेटरी कसोली में कोविड वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। अगली खबर है, चौंतड़ा में सीएम जयराम की जनसभा में बिना जांच के नहीं मिलेगा प्रवेश। खालिस्तानी समर्थकों की धमकियों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को जोगिंदरनगर के चौंतड़ा में जनसभा करने जा रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जेड प्लस प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा रहेगा। कमांडो तैनात कर दिए गए। जनसभा में प्रवेश से पहले हर व्यक्ति की जांच होगी। पंचायत प्रतिनिधियों को भी पहचान पत्र जारी किए गए हैं। पूरे उपमंडल में पुलिस का हाई अलर्ट घोषित कर संदिग्ध वाहनों की जांच पड़ताल तथा होटलों में रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों की पूछताछ भी की जा रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना रहे, इसलिए पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा की कमान संभाली है। गोल्ड मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। बोले, ये उपलब्धि देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, आज जो नीरज ने हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि टोक्यो में इतिहास रचा गया है, आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। अगली खबर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश में भाजपा हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान एवं प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को शुभारंभ किया गया है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय देव कमल चक्कर शिमला से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिविर का शुभारंभ किया। बैठक में अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल एवं अभियान के प्रदेश संयोजक वरिंदर चौधरी, डॉक्टर एस के सब लोग संजय सूद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, जो कुर्सी तक पहुंचने में असफल रहे उन्हें मंडी को मिले ताज का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी जिले के थाची दौरे पर एक बार फिर पूर्व मंत्री ठाकुर कोल सिंह को निशाने पर लिया। थाची में जनसभा के दौरान कोल के खिलाफ सीएम जयराम ठाकुर ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में जो असफल रहे उन्हें मंडी जिले को पहली बार ये मुकाम हासिल होने पर इसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान तो दूर उल्टा कोल सिंह मर्यादा खो बैठी है। जयराम ने दो टूक शब्दों में कहा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले भावनाओं से खिलवाड़ मत करें। नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रवेश। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में 9 अगस्त से शुरू होने जा रहे श्रावणाष्टमी मेलों में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या दोनों डोज का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्रावण अष्टमी मेलों को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चिंतपूर्णी तथा अन्य मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ पाबंदियां निर्धारित की है। चिंतपूर्णी में 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे के भीतर की जारी की गई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया। पुलिस विभाग जिले के प्रवेश द्वारों पर अंतर्राज्य आवाजाही की निगरानी के लिए चेक पोस्ट और नाका स्थापित करेगा। खबर धर्मशाला से, दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन लेगा तकनीकी शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं गूगल मीट या गूगल क्लास पर ऑनलाइन माध्यम से लेगा। इस दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन रहते हुए वेब कैमरों में अपना चेहरा और परीक्षा देती बार अपनी उत्तर पुस्तकों को भी साफ साफ दिखाना होगा। वह इंटरनेट दिक्कत समस्या होने पर छात्र अपने नजदीकी संस्थान में परीक्षा दे सकेगा। इसके लिए छात्र को 10 दिन पहले बोर्ड को बताना होगा। बोर्ड 17 अगस्त से दूसरे और चौथे सेमेस्टर की लीट और पैट ऑनलाइन माध्यम से करवाएगा। ऑनलाइन परीक्षाओं में छात्र किसी प्रकार का कोई नकल का सहारा ना ले, इसके लिए छात्रों को अपनी परीक्षाएं गूगल मीट या गूगल क्लास के माध्यम से देनी होगी। संबंधित छात्रों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए करीब 10 मिनट पहले आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। मंडी सांसद उपचुनाव कांग्रेस के लिए गले की फांस बना, मंडी से प्रत्याशी उतारना। मंडी सांसद उपचुनाव लड़ने के लिए फिलहाल कोई भी कांग्रेस नेता हामी भरने को तैयार नहीं हो रहा है। पार्टी के लिए प्रत्याशी उतारना फिलहाल गले की फांस बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी जता रहे पार्टी नेता भी बैकफुट पर है। ये कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। साफ है कि सरकार ये सीट जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की तलाश को हाईकमान ने सह प्रभारी संजय दत्त को हिमाचल दौरे पर भेजा है। सह प्रभारी अर्की विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके भी मंडी संसदीय क्षेत्र के नेताओं और पदाधिकारियों के संपर्क में। हाईकमान ने मंडी जिले से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व मंत्री कोल सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह से अलग अलग मुलाकात की है। दोनों नेताओं के समक्ष मंडी से उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। चंबा के विकास खंड बेटियात के तहत छलाड़ा और उपमंडल तीसा के तहत टेप पंचायत को प्रशासन ने सील कर दिया है। इन पंचायतों में 10 से अधिक कोरोना संक्रमित मामले आने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। पंचायतें सील होने पर अब पंचायतों में दवाइयों दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें ढाबे और दफ्तर बंद रहेंगे। पंचायतों में पैदल और वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिहाज एक माह बाद दोबारा ग्रामीणों की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग करवाई जाएगी। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत छलाड़ा में 8 लोग संक्रमित आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन पंचायत को सील कर दिया है। इसके अलावा ग्रामीणों पर घरों से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। लोगों को अवस्था अनुसार दैनिक उपयोग और अन्य सामग्री को घर द्वार पर ही छोड़ा जाएगा, बशर्ते ग्रामीणों को अपनी डिमांड पंचायत प्रतिनिधियों को बतानी होगी। उसके आधार पर ही ग्रामीणों को घर द्वार पर सामान पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। खबर सरकारी राशन डिपो से, इस माह से उपभोक्ताओं को 1 किलो अतिरिक्त आटा। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को इस माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आटे का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने APL राशन कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम अतिरिक्त आटा देने का निर्णय लिया है, जिसके चलते अब राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 12 किलो आटा मिलेगा, जबकि पूर्व में प्रति राशन कार्ड 11 किलो आटा दिया जाता था। CM जयराम ने नीरज को दिया हिमाचल आने का न्योता। अनुराग बोले, ये तो अभी शुरुआत है। भाला फेंक स्पर्धा में भारत को ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि नीरज ने देश का मान बढ़ाया और वे जब चाहे अपनी थकान मिटाने हिमाचल आ सकती है। वहीं हमीरपुर से सांसद और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार खेल सुविधाओं पर लगातार बेहतर कार्य कर रही है। इसी वजह से खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हॉकी से लेकर कुश्ती व जैवलिन जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और देश का मान बढ़ाया है।